बारिश है भाई, बारिश है, बहुत बारिश है। अच्छे टाइम से पहुंच गए। बारिश हाँ जी, तो सबको फिर से नमस्कार। आज का विचार कि जैसे भी रहें स्वस्थ रहें। लाइव टेलीकास्ट आते हुए बारिश में, बड़े दिनों बाद अच्छे से जोर से बारिश लगी है, देख ही रहे हो आप। बाकी इधर थोड़ा बहुत काम भी चालू है, रोड बनाया जा रहा है थोड़ा, क्योंकि रोड जल्दी कच्चे हो जा रहे हैं यहाँ के, क्योंकि म्यूनसिपल वालों का काम बराबर नहीं है। अब किसको बोलें? देख लो अब कैसे पानी भरा हुआ है। वैसे में इंसान गाड़ी चलाए या पानी देखे, आज हम व्लॉगिंग कर रहे हैं बड़े दिनों बाद। लास्ट हम जू गए थे, जू के बाद हमने कभी कोई व्लॉगिंग नहीं की, छोटे मोटे वीडियोस थे वही डाल रहे थे। बाकी कंटिन्यू व्लॉगिंग करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली, क्योंकि जो शाइनेस है ना वो जा नहीं रही, कि लोग क्या कहेंगे, पर लोगों को कहाँ है कहना फिर भी। सो पर्सनल स्पेस में रहूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, मतलब बहुत अच्छे से, तो कहने का मतलब मैं अपने मन के हिसाब से बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, कि बात वगैरह कर लेता हूँ। बाकी हाँ, चेयर पीछे चेयर है, अगर जो देख रहा है और सोच रहा है कि पीछे क्या बात करके जा रहा है, चेयर है हमको, हम अभी दूसरे रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पर ऑफिस के पास थोड़ा ट्रैफिक को पार करना और जाना टाइम लग रहा था, तो हम सीधा ऑफिस के पास ही शिफ्ट हुए हैं। मेरी दीदी का ऑफिस भी उधर ही पड़ता है, मेरा भी उसी साइड पड़ता है, तो वेल कम्यूट है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें इधर घर पे थी फ्लैट में, वो यहाँ से हम वहाँ पर लेके जा रहे, कि जब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से ही रखे ना, कि ज़्यादा रख के करना क्या है, हर जगह ज़्यादा खरीद खरीद के पगले हो गए, इससे बेहतर है कि थोड़ा बहुत रखा और चले गुजारा। पहले गुजारा चलना ज़रूरी है, बाद की बाद में देखा जाएगा। भाई सच्ची में बहुत पानी भर गया, अभी जस्ट 5 मिनट हुए होंगे बारिश होते हुए, और मतलब ड्रेनेज ब्लॉक है क्या ब्लॉक है, पूरा इतना अच्छा काम किया हुआ है फिर भी ब्लॉक हो जा रहा है। साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है पूरा पानी रुका हुआ है, पीछे साइड तो थोड़ा ज़्यादा था। अभी क्या है, थोड़ी देर और कंटिन्यू बारिश रहेगी, करते करते पूरा ही भर जाएगा। कोई मतलब है इस चीज का बताओ? देखो, इसलिए गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट का होता है, क्या करें, किस हिसाब से करते हैं किस हिसाब से नहीं करते हैं अब वही जाने, बाकी हमारा हम जाने, हम करते हैं अपना काम और लेते हैं प्रभु का नाम और जाते हैं। क्योंकि जाते जाते कम से कम मेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा, अभी 12:15 हो रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट 11:50 को पहुंचा था, कंटिन्यूस बारिश चालू होगी, तो अभी मैं निकला हूँ गाड़ी निकाल के साफ वगैरह करके। चलो अब उधर जाके मैं थोड़ा वॉक करता हूँ ना, क्या कि ट्रैफिक में चिक चिक हो जाती, एक तो पहले ही देखो सामने दिखाता हूँ ना, ट्रक देखो ट्रक, मेरी गाड़ी तो पूरी लेफ्ट साइड में है, उसमें कितना भर रहा है। वाले कैसे जाएंगे बताओ, ये क्या काम करके रखते हैं, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ।
भी है तो यहाँ से पानी इधर को ही आता है। देखो चेन्नई है वैसे गर्म जगह, ठीक है, पर जब बारिश पड़ती है ना तो पानी समेटने के लिए इनके पास जगह ही नहीं है। क्या सिस्टम है क्या नहीं अब क्या मालूम। भाई ट्रैफिक क्या लगा है भाई, अब क्या करेंगे भाई। स्टेप लो आगे, धीरे धीरे करके चलो आगे। हमने सोचा था यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा ट्रैफिक कम मिले, जहाँ देखो वहाँ से ट्रैफिक है, ऊपर से बसेस आ रही हैं अलग, वहाँ से जाए इंसान। बारिश से बचने के लिए सब ब्रिज के नीचे खड़े हो गए, ट्रैफिक ही कर दिया। है ना कि पता नहीं चलता कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, बारिश का ही पता नहीं चलता, इसीलिए ना लोगों को रेनकोट निकालने का मौका नहीं मिलता। अभी धूप है, अभी बारिश हो जाएगी। वैसे थोड़ा मौसम था बट जैसा बोलते हैं ना मौसम विभाग की सुन के नहीं चलनी चाहिए, वैसे चेन्नई की भी मौसम की चुन के नहीं चलनी चाहिए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। सो गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसा चले, है ना, हमको क्या करना है। चलो आपको बाकी चेन्नई दर्शन कराते हैं टाइम लैप्स में। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए, 18 किलोमीटर क्रॉस करने को 1.5 घंटा लग गया, गजब है ट्रैफिक। बारिश थोड़ी सी हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इसी वजह से शिफ्ट करना पड़ा। देखो कुछ टाइम अच्छा निकल जाए उसके बाद देखी जाएगी क्या है कैसा है। अभी तो पहुँचने वाले हैं और 3 किलोमीटर बाकी है मुझको, मैंने बोला चलो ठीक है इसको एडिट करके एंड कर दें, फिर बाकी तो आपने देख ही लिया। ट्रैफिक ख़त्म हो ही नहीं रहा था, इंच बढ़ के कैसे कैसे तो यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। बाकी मौसम चेंज हो रहा है तो सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, गरम खाना खाए, सब लोग गरम खाना खाए। मेरी तो यही सलाह है कि बेसिक जो नीड है खाना जितना ज़्यादा खाया जा सके और गरम खाना खाया जा सके उतनी ज़्यादा अच्छी सेहत रह सकती है। और ठंडा अवॉइड करें क्योंकि अभी थोड़ा सीज़न है वायरल का, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो एक की चार बातें हो जाती हैं। कई अच्छे डॉक्टर होते हैं, कई होते हैं कि एक की चार बता देते हैं और साइकोलॉजिकली इंसान टेंस्ड हो जाता है। सो अपना ध्यान रखें और अपने आसपास सबका ध्यान रखें। एक और सिग्नल आ गया,
हाँ जी, तो हम गए हैं पहुँच, अभी जाते हैं, अपना काम यहाँ का हो गया है। पहुँच गए घर के पास, सबसे बड़ा काम हो गया ट्रैवलिंग का सिटी के अंदर। सो ज़्यादा कुछ था नहीं आज दिखाने के लिए, बट मैंने सोचा थोड़ा सिटी छोटी मोटी दिखा देंगे। बाकी यहाँ का वेदर वगैरह तो सब ऐसे ही चलता रहता है। रेस्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चेन्नई जब भी आए तो कमेंट करें कि हम चेन्नई आ रहे हैं, हो सकेगा तो हम ज़रूर मिलेंगे।